अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाइयों, आज आपको पंजाब के देसी माहौल का एक नज़ारा करवाते हैं। यहाँ में गांव वाली साइड में जो होता है कुछ और एंटरटेनमेंट तो होती नहीं है, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स को तवज्जो दी जाती है और पंजाब का जो कल्चरल एक स्पोर्ट है शूटिंग वॉलीबॉल, आज आपको थोड़ा सारा उसका मैच दिखाते हैं। एक साइड पे कैंट सीआई टीम है, फौजी हैं, और दूसरी साइड पर लोकल्स हैं, वो खेल रहे हैं, तो आपको उनके मैच का एक हल्का सा नज़ारा दिखाते हैं। ये इस साइड पे जो है ये लोकल्स हैं और उस साइड पे जो है जो मेहमान टीम है वो आई हुई है। सर्दियों में अमूमन ये गेम नहीं होती है क्योंकि बाल बहुत भारी होता है, 230-220 ग्राम का बाल होता है, तो लेकिन फिर भी शौक का कोई मोल नहीं, जैसे पंजाबी में कहते हैं। तरफ ये गुमन है, फारूक गुमन साहब, ये बहुत अच्छे स्मैशर, बहुत तगड़ा खिलाड़ी है। अब हमें बाल लेने भी जाना पड़ेगा, चलो एक बच्चा तो है वो लेने चला गया बाल। और ये देखें गांव का माहौल, देखें क्या ही खूबसूरती होती है, क्या ही खामोशी और क्या ही सुकून होता है गांव के माहौल में। वो जो नट के पास खड़े हैं वो बलोच है, बहुत अच्छा खेलता है। वो पीछे सूबेदार साहब बैठे हुए हैं, वो नवीद अहमद खान साहब, अली भाई, हमजा भाई, ये सब बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। और ये नॉर्मल वॉलीबॉल से कुछ ज़्यादा हार्ड होता है ये बाल, और ये बहुत ज़्यादा जो होता है इससे दर्द होता है हाथों में, और एक दूसरे को टाउंट भी करते हैं। वो आपने सुना होगा, वो टाउंट कर रहे हैं, वो पॉइंट ले लिया उन्होंने तो वो टाउंट भी कर रहे हैं साथ में। अब ये बाल यहाँ आया, अब यहाँ से ये मारेंगे। वाह 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 वाह, वो पीछे वो एक फौजी, वाह, वो कॉर्नर में शाका भाई खड़े हैं, शाका लका, ये सर्विस और ये आउट, ये पॉइंट। तु या बुढ़िया नु मार दो या याणिया नु मार दो। वाह भाई, ये भी एक यूनिक काम हो गया, नेट में बाल फंस गया। ये भी बुजुर्ग हैं, जी तो आपको यकीनन मज़ा आया होगा। एक ये शाम के टाइम ये शगल मेला लगाते हैं और बहुत ही अच्छा मज़ा आता है। वैसे तो आज तमाशाई नहीं है, नहीं तो सैकड़ों की तादाद में तमाशाई बैठते हैं, और ये ग्राउंड काफ़ी मशहूर है, यहाँ पर टूर्नामेंट्स भी होते रहते हैं। तो जी इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी सीज़न शुरू होने वाला है वॉलीबॉल का, तो आपको अच्छे अच्छे मैचेस भी दिखाएंगे, साथ साथ पंजाब का कल्चर भी दिखाएंगे, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह।